तो चौकीदार क्यों बना हुआ है यहाँ पे? अरे अब्बू तो रो क्यों रहा है, क्या हो गया? वो लोग चाचा को लेकर चले गए। कौन लोग? उसके मम्मी पापा। तो ले जाने देना, माता पिता है उसके। अगर वो माता पिता है तो कल ले जाते ना, लेकिन वो आज लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। मैंने कहा था ना सावधान रहने को। स्वाहा, अब हमें जल्दी से वशीकरण पूजा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें जैसा चाहिए कि नागिन वही करेगी। लेकिन जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए इस बेचारी को वश में करने की क्या जरूरत है? हमारे ये दो हाथ है ना, मेहनत करके कमाएंगे। अरे पगला गए हो क्या? पहले तो कहते थे भगवान ने आंखें दी खाना देखने के लिए, मुंह दिया है खाना खाने के लिए, और हाथ दिए उस खाने को मुंह तक ले जाने के लिए, और पैर हमें फैल के सोने के लिए दिए। अब ये काम का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हें? मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम पूजा शुरू करो। अप्पू या तो दो रास्ते हैं। इच्छा! 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 चाचू को बता दूं इच्छा कौन है? लगता है मैं पुलिस केल पे नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं चाचू ने पुलिस को बता दिया तो? ओ चाचू नहीं, जब तक पुलिस आएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक, ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक। क्या है ये मंत्र? काम तो करेगा ना, मुझे शक हो रहा है। अरे तुम चुप रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। नागिन को वश में करो और घी डालो यहाँ पे। ये आग में घी डालने का काम तो शगुनी मामा जैसे लोग किया करते थे। मैं ठहरा सपेरा, मुझे बीन भजवा लो। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। मुझे बचाओ, आग, आग। हैरान मत होइए, जब आपके पति पकड़ने आए थे तब। अब तुम्हारे साथ चलेगी अभी के अभी। बाकू कहाँ रह गए थे? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कब से तैयार हूं बोलो। मैंने तुम्हारे आदमी को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है, होश आते ही वो घर चले जाएंगे। अप्पू आवाज यहां से आ रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। बचाना तो था ही, चाहे जिस वजह से ही सही। बेटी कहा था ना आपने। बेटी बेटी मुझे माफ कर दो, हमें किसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम इच्छाधारी नागिन हो और तुम्हें वश में करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम बस उसी लालच में आ गए, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपके यहाँ ही कहते हैं ना कि गलतियां इंसान से होती है, लेकिन अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। और आपकी आंखों में आंसू देखकर पता लग रहा है कि आपको पश्चाताप हो चुका है। इच्छा! 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 इच्छा!
इच्छा 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 तुम ठीक हो ना? अच्छा कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? अरे हम लोग तो मामूली सपेरे हैं, हमें किसी ने इस लड़की के बारे में बताया था। क्या बताया? हे नागोमी देव, अब तो ये बबल जी के एक थप्पड़ में सब कुछ सच बोल देगी। बोलो। मैं बताती हूँ। हमें कामवाली चाहिए थी और आपको तो पता ही है आजकल कामवालियों के नखरे उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में जब हमें इस बिना यादाश्त वाली लड़की के बारे में पता चला तो हमें लगा अब कामवाली के नखरे और तनख्वाह दोनों से छुट्टी। ये सब पूजा वूजा क्यों? हाँ क्या ये सब? अरे वो हमने सोचा पूजा करके इसके दिमाग में हम ये डाल देते कि हमारी बेटी है, ताकि आगे ना कोई परेशानी हो और इसमें हमारा हक रहे। अब पुलिस तुम पे हक जमाएगी और वही रखेगी तुम्हें। बबल जी रहने दीजिए ना, ये बेचारे अपनी काम वाले से इतने परेशान है। इन्होंने मुझे बताया कि ये कैसी कैसी काम वाली लाए और उन्होंने इनका इतना नुकसान कराया। इन्हें सजा की नहीं सांत्वना की जरूरत है। निकल जाओ यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। बबल जी मुझे बचाने आए, मतलब ये भी मुझे। अब स्माइल करती रहोगी? हाँ चले चलो। कितना मोटा है तू? मोटा मत बोलो, खाते पीते घर का हो ना इसलिए। अच्छा बता क्या बताने आया? आज मैं बहुत डर गया था। क्यों? अरे अगर मैं और चाचू आज टाइम पर ना आते तो वो सपेरे तो तुम्हें पिटारे में मन करके ले ही जाते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हाँ अगर वो मुझे ले जाते तो आज मैं चैन की सांस नहीं बीन पर डांस कर रही होती। वैसे अगर आज वो मुझे ले जाते तो तुझे मेरी याद आती। अब तुम चाहती हो कि मैं रहूं? अच्छा तुम्हें बता, इतने कम समय में तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। और तू भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और वैसे भी तू ही तो है इस घर में जो मेरी सच्चाई जानता है, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू मेरा राज कभी किसी को नहीं बोलेगा। बोला तो था पर किसी ने यकीन नहीं किया। अच्छा तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अप्पू मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस इंसानी बस्ती में तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूं। वैसे इच्छा मुझे आज पता चला तुम्हारे दिल सच में बहुत बड़ा है। उन सपेरों को माफ करके चाचों से जैसे तुमने उनकी जान बचाई वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। उन सपेरों ने तुम्हारे से इतना बुरा किया और तुमने उन्हें एकदम से माफ कर दिया। अरे अब्बू गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन उन्हें सजा नहीं बल्कि मौका मिलना चाहिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना करें। और वैसे भी प्यार के साथ रहने में जो मजा है वो सजा में कहां। इसलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और तुझे पता है मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ क्या करती थी? क्या? अब मैं जो करती हूँ वो तू कर, ठीक है? ये हाथ, ये हाथ। अच्छा हुआ बबल तू सही समय पर पहुंच गया, वरना छोरी गलत हाथों में पड़ जाती। हाँ माँ ठीक कह रही, एक तो छोरी की याददाश्त ना है और ऊपर से नौकरानी बना के ले जा रहे थे। हाँ। हाँ।
मैं भी तो यही सोच रही थी, अगर वो लोग इसे ले जाते तो ये तो दूध का ना पोछा लगाती और फिनाइल की चाय बनाती, और जब ये फिनाइल की चाय उन लोगों को पिलाती तो उन सबकी तबीयत खराब हो जाती, और जब उन सबकी तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता, और जब वो अस्पताल जाते तो वो दर्द के मारे इतना चीखते, ऐसे ही चीखते। हे नागूमी देव, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? प्रबल, जल्दी से लट ले करा। हाँ दादी। मारो इसे। नहीं दादी, मैं आपको नहीं काटूंगी, मेरी। अरे तू नहीं काटेगी, पर जो तेरे पीछे है वो तो काट लेगा। अरे हट वहां से। अरे बावड़े, वो सांप तेरी ऐसी बात सुनेगा क्या? अरे पिताजी, मैं अच्छा से कह रहा हूँ। अरे प्रभा, जल्दी से लट ला। लो दादी। अरे ये लटका मैं क्या करूंगी, सांप अंदर कमरे में है। अरे लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सांप अंदर कमरे में है इसलिए यहाँ है। दादी लाओ, मैं अंदर जाता हूँ। हटो हटो ऐसे, हटो हटो हटो। नहीं नहीं नहीं, बबल जी रहने दीजिए ना, वो नहीं काटेगा। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ, वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। छोरी तू ये सब कैसे जानती है? वो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है, आप लोगों ने देखा था ना उस दिन बब्बल जी के अंदर से जहर मैंने कैसे निकाला था। सही कह रही है ये। वैसे भैंसों के बारे में भी तुझे पता है के? अरे वो हमारी जो बूरी भैंस है ना, अरे बहुत सींग मारती है, अगर उसका कुछ हो जाए ना। चाप खड़ा रहा। तू सही कह रही होगी, लेकिन घर में सांप है तो उसे मारना तो पड़ेगा ही। लेकिन दादी जी आप अंदर ऐसे मत जाइए, क्या पता वो कहीं से निकल के किस पे हमला कर दे, इसलिए बाहर खड़े रहिए और उसका इंतजार कीजिए। हट जाओ दादी, तू थक जाएगी। ले बैठ दादी। अरे हट। ये लोग इस सांप को मार देंगे तो मेरे अभियान का क्या होगा? मैं नागिस्तान में क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मुझे कुछ करना ही होगा। भाई साहब, आप क्यों आए इस घर में? अभी सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती कहावत सच कर देते आप। आप कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और यहाँ मैं इंसानों को समझाने आई हूँ कि हम नाग इतने खतरनाक भी नहीं होते जितना ये सोचते हैं। तो अभी तक समझा नहीं पाई क्या? इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं थोड़े वक्त बाद ही आऊंगा, चलता हूँ। रुको रुको रुको, देखो अब इन इंसानों के दिमाग से सांपों का डर निकालने के लिए तुम्हें मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्होंने मुझ पर हमला किया तो मेरी मदद कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना, तुम्हें बस करना ये है कि उनके सामने एकदम शांति से उसी कमरे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। मैं यहीं से शांति से निकल जाता हूँ ना। नहीं नहीं, उनके सामने निकलोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सब पूरे जीव नहीं है। चलो अब तुम अंदर जाओ, जब मैं इशारा करूंगी तब बाहर आ जाना। ठीक है। अब मैं जाती हूँ। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? अरे देख सबल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सांप पकड़ में आ जाए। लेकिन कैसे? अरे सोच कुछ। भैया हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना सांप को ना भरपेट खाना खिलाएंगे। हाँ। वो धीरे चलेगा। हाँ। और हम दौड़ के उसे पकड़ लेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर एक दिक्कत है। वो क्या? अगर सांप भागने की बजाय सो गया और हमने सोते हुए पकड़ा तो लोग कहेंगे कि सोते सांप का फायदा उठा लिया तुमने।
और तुझे पता है हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का फायदा नहीं उठाया। बात तो सही है भैया आपकी, मैंने तो सोचा ही नहीं इतना, लेकिन फिर उसे पकड़ेंगे कैसे? एक तरकीब है मेरे पास। हैं? आज रात को सोते हुए सांप के ऊपर मोम रख देते हैं, और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा वो मोम पिघल के उसकी आंख में चला जाएगा, उसे कुछ दिखेगा ना, और हम जल्दी से सांप को पकड़ लेंगे। भैया एक सवाल है, भैया जब वो पिघलता हुआ मोम सांप की आंख में जाएगा, उससे सांप की आंख खराब नहीं हो जाएगी? तुझे पता था तू ये पूछेगा। अरे छोटे उसकी आंख पे चश्मा लगा देंगे ना हम। कितनी दया आपके दिल में भैया। अरे कितनी है ये तो कभी चेक ना किया, लेकिन है बहुत। चल मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ। मोमबत्ती? वो क्यों? अरे सांप के सर पे रखनी है ना। चल जा अभी। ओ हाँ भैया। भैया एक सवाल ना, मुझे अंदर ही अंदर ना खाया जा रहा है। इंसान पीने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, सांप बिना पिए ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम सांप को पिला दें तो सांप सीधा चलेगा, और सीधे सीधे हम सांप को पकड़ लेंगे। जो तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं फैला है? हर बार मैं गिरता हूं और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो, क्यों? जी गलती से हो जाता है। अच्छा, क्या तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालोगी? जी गलती फौरन से सुधार भी तो लेती हो। सांप! अबे पकड़ लिया! अरे मैंने पकड़ लिया! अरे वाह मेरे शेर, तूने सांप पकड़ लिया। हे नागोमी देव, भाई साहब की रक्षा करना। ए भीतर क्या कर रहा बहारा? अरे बावले, ये नाला है नाला। अरे दादी, मैंने नाले को सांप समझ लिया। अच्छा हुआ ना कि तुमने नाले को सांप समझ लिया, अगर सांप को नाड़ा समझ लेते तो गुदगुदी हो जाती। आज इसने नाड़े को सांप समझा है, कल भैंस को गाड़ी समझ लेगा, परसों गन्ने को बंदूक समझ लेगा, अम्मा जी पूरा गांव इसे पागल समझेगा। ए बावड़े से बातें ठुकवा लो, पागल कर देगी हम सबको यो। अरे अब चलो, वहाँ बेचारा सांप अकेले कमरे में है, मतलब वो कहीं चला जाएगा। ए छोरे, प्रबल और सबल की संगत से तू दूर रह कर बहुत बुरा असर पड़ रहा है तारे पर। अब चलो। अरे उठाओ। ध्यान से, ध्यान से। दादी आप सब लोग बिना वजह सांप से डर रहे हैं, वो आप लोगों से मेरा मतलब है हम लोगों से डर रहा होगा। डर तो तुम भी रही हो, सिटी बज गई तुम्हारी। नहीं मैं तो सांप, सांप। अब क्या देख लिया तूने? बोला अरे अभी तेरी गर्दन मरोड़ दे। बापू खतरनाक है पिताजी। अरे मैं के कम खतरनाक हूँ, मैंने बहुत सांप देखे थे। नहीं दादी, दादी दादी रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए वो तो खुद बाहर आ गया है। बेचारा कितना डरा हुआ लग रहा है, वो कुछ नहीं करेगा मेरा विश्वास करो, चुपचाप चला जाएगा। नौटंकी मत कर, निकल यहां से। देखा मैंने कहा था ना कुछ नहीं करेगा। अरे करा तो उसने। क्या डांस?
अरे वो तो आपसे मिले प्यार की वजह से खुश होकर किया होगा। अब आप लोगों ने प्यार दिया तो उसने भी दिया ना। लेकिन वो नाच के क्यों गया है? अरे कहीं नागिन डांस का रिहर्सल करने तो ना आई हो हमारे घर। लेकिन वो सही कहा था इच्छा ने, खुद ही डरा हुआ था वो। लेकिन अरे बहुत सारा काम बाकी है, चलो चलो चलो। अरे ये तो है ही बावले, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये इच्छा सांपों के बारे में समझती कैसे है? लगने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों वाकू, ऐसा क्या हुआ है? वो तुम्हारे नकली माता पिता, वो सपेरे हैं। मैंने खुद उनके मुंह से सुना, वो इच्छा को यहाँ पकड़ने आ रहे हैं। इच्छा तुम यहाँ से निकलो, वरना वो रात में आके तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। भाग जा, इच्छा भाग, भाग। बस छोरी, बहुत हो गया, तू हमारे साथ चलेगी। तो चौकीदार क्यों बना हुआ है यहाँ पे? अरे अप्पू तो रो क्यों रहा है, क्या हो गया? वो लोग इच्छा को लेकर चले गए। कौन लोग? उसके मम्मी पापा। तो ले जाने देना, माता पिता है उसके। अगर वो माता पिता है तो कल ले जाते ना, लेकिन वो आज लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। मैंने कहा था ना सावधान रहने को। स्वाहा, अब हमें जल्दी से वशीकरण पूजा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें जैसा चाहिए कि नागिन वही करेगी। लेकिन जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए इस बेचारी को वश में करने की क्या जरूरत है? हमारे ये दो हाथ है ना, मेहनत करके कमाएंगे। अरे पगला गए हो क्या? पहले तो कहते थे भगवान ने आंखें दी खाना देखने के लिए, मुंह दिया है खाना खाने के लिए, और हाथ दिए उस खाने को मुंह तक ले जाने के लिए, और पैर हमें फैल के सोने के लिए दिए। अब ये काम का भूत कहां से सवार हो गया तुम्हें? मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम पूजा शुरू करो। स्वाहा, अप्पू या तो दो रास्ते हैं। इच्छा! 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 चाचू को बता दूं इच्छा कौन है? लगता है मैं पुलिस केल पे नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, चाचू ने पुलिस को बता दिया तो? चाचू नहीं। प्रबल, जल्दी से लट लेकर आ। मारो इसे। नहीं दादी, मैं आपको नहीं काटूंगी। मेरी अरे तू नहीं काटेगी, पर जो तेरे पीछे है वो तो काट लेगा। नौटंकी मत कर, निकल यहां से। समर भैया, अरे गधों में यहां ऊपर ऊपर ऊपर। भैया, अरे के हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। Stop! 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 Stop!